टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। हम ये जो चैप्टर है हमने स्टार्ट किया था कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिनमें सिंगल सेल होता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या फिर आगे जो हैं वो जो थोड़े एडवांस टाइप हैं या मल्टी सेल्यूलर हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो फिशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि फिशन मेथड जो है, फिशन मेथड में क्या होता है, ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन, यानी जो आगे जो डॉटर सेल्स होते हैं या फिर जो इनका जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इनके आगे इनकी जो जनरेशन होती है, वो उसके लिए ये इसमें क्या होता है कि एक सेल जो होता है वो डिवाइड करता है और आगे दूसरा सेल बनाता है। सो फिशन एक सिंगल जो है, बाइनरी फिशन भी होती है, फिशन मल्टीपल फिशन भी होती है। सबसे पहले क्या होता है कि एक सेल पहले तो वो ग्रो करता है, उसमें सब कुछ वो अपने अंदर, जैसे हमने बोला था कि न्यूक्लियस में अपने जो जो भी उसमें न्यूक्लियस हो, क्रोमोसोम्स हो, वो सारा जेनेटिक मटेरियल हो या बाकी सारा, वो अपने आप में डबल करता है। फिर वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करता है। वो डिवाइड जब होता है तो वो दो में तब्दील होता है, एक सेल दो में हो जाता है। तो एक पेरेंट सेल होता है और दूसरा डॉटर सेल होता है। तो इस तरीके से जो एक सेल, क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिन वो जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। अब एक सेल जो है वो दूसरा सेल बनाता है, तो दूसरा हो गया नया सेल जो उसका एक बच्चा हो गया और खुद वो पेरेंट। तो इस तरीके से एक सेल जो है वो इसी ये जो मेथड है जिसमें दो होते हैं, जिसमें बाइनरी फिशन होती है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं कुछ या फिर प्रोटोजोआ है, जैसे अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फिशन होती है। इसमें एक सेल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है वो डिवाइड करता है और दो सेल बनाता है। इसी ये इसमें होता है, और कुछ जो कई और जो हैं उसमें होता है, जैसे लिशमैनिया है। However, some unicellular organisms show somewhat more organization के में, जैसे लिशमैनिया है, इसमें भी होता है ऐसा ही। इन सच बाइनरी फिशन अक्कर्स इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन। सो इस तरीके से ये होता है। अब कुछ जो हैं, इन सच ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिशन अक्कर्स इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दिस स्ट्रक्चर, अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है प्लाज्मोडियम, वो क्या करता है, वो पहले डिवाइड करता है, एक सेल दो बनाता है, फिर वो जो हर एक सेल है वो आगे बनाता रहता है, जैसे फिशन आगे चलती रहती है। एक सेल पेरेंट जो है उसने आगे दो बनाए, फिर वो जो दो सेल हैं वो आगे चार बनाते हैं, फिर वो जो चार आगे हैं वो आगे डबल बनाते हैं। इस तरीके से मल्टीपल फिशन होती है। आगे है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये भी लेकिन ये याद रहे कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनके मल्टी सेल होते हैं। मल्टी सेल मतलब एक से ज़्यादा। अब ये याद रहे कि इसमें वो ऑर्गेनिजम्स, ये फ्रेगमेंटेशन उन ऑर्गेनिजम्स में होती है, उन प्लांट्स में कह लो या उन एनिमल्स में कह लो, ऑर्गेनिजम्स में कह लो, जिनमें सेल बहुत कम होते हैं, बड़े कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। मल्टीपल से जैसे जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, वैसे नहीं होते ये। इसमें कुछ सेल्स होते हैं और वो क्या होता है, जैसे इसकी एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, जो पानी में एक ऑर्गेनिजम्स होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जो प्लांट में ही आता है। तो ये क्या, इसमें क्या होता है कि वो मल्टीपल सेल्स इसमें होते हैं और वो जब इसकी जो मैच्योर होने आता है तो फिर ये इंडिविजुअल पार्ट जो इसके सेल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, मतलब अलग अलग डिवाइड हो जाता है ये इन मल्टीपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी, जैसे स्पाइरो वगैरह है।
फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक्स अप इंटू स्मॉलर पीसेज अपॉन मैच्योरेशन. जब मैच्योरेशन मैच्योरिटी आती है इसमें तो ये ब्रेक कर देता है इंडिविजुअल छोटे छोटे पीसेज में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर एक जो पीस होता है वो नया ऑर्गेनिज्म उसका बनता है. द पीसेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल्स. ये जो इंडिविजुअल पीसेज होते हैं ये नए इंडिविजुअल बनते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्रेगमेंटेशन जो है उनमें होती है जो मल्टीपल सेल्स होते हैं, और मैच्योरेशन जब वो मैच्योरिटी पे आते हैं तो वो टूट जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में. तो हर एक जो पार्ट होता है, हर एक जो टुकड़ा होता है, हर एक जो हिस्सा होता है उनका पार्ट होता है, वो नया इंडिविजुअल बनाता है. ये दिस इज़ नॉट फॉर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं है. ठीक है, जो बड़े एनिमल्स, ये सिर्फ सिंपल जो कुछ जिनमें कुछ सेल्स होते हैं जैसे स्पायरो वगैरह, सिंपल जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है. जो बड़े होते हैं जैसे मल्टीपल सेल्स जिनमें होते हैं, और हर एक सेल जो है वो आगे टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है. जैसे जैसे देख लो आप बर्ड्स देख लो, परिंदे देख लो, जानवर देख लो, उसमें एक अलग सिस्टम होगा, उसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, सीधा सीधा नहीं होगा. उसमें पहले सेल्स एक जो जैसे हम जैसे इंसानों में है कि स्पर्मेटोजोआ है जो है वो सेल्स जो हैं वो अलग सेल्स जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फिर जो जो फीमेल्स होती हैं वो अलग सेल बनाती हैं, और वो इस तरीके से. अब ये बेसिक हमारा, हमने आज पढ़ा फिशन और फ्रेगमेंटेशन.